नमस्कार, स्वागत छे आपनू स्पेशल रिपोर्ट मा, अपनी साथे हूँ छु प्रियंका। लद्दाख मा भारतीय सेनानी सामे चीन घूटणीए पड़ी गयु। भारतीय सेनानी शक्ति अने पराक्रम थी घबरायेलु चीन अवनवा षड्यंत्रो रची रह्यु छे। लद्दाख माथी भारतनुं ध्यान भटकावा चीन पाकिस्तान साथे मळीने बांग्लादेश सरहद थी आतंकी मनसूबाने अंजाम आपवाना प्रयास करी रह्यु छे। चीनना इशारे पाकिस्तान भारत बांग्ला सरहद पर आतंकी षड्यंत्रने अंजाम आपी रह्यु छे। पश्चिम बंगाळना मुर्शिदाबाद अने केरलथी धरपकड करायेला आतंकीओनी पूछपरछमां चौंकावनारा खुलासा थया छे। बांग्लादेश सरहदथी आतंकना नवा मॉड्यूलनो खुलासो थयो छे, जेमां गरीब अने अभण लोकोने सोशियल मीडियानी मार्फते निशान बनावी पाकिस्तान भारतमां पोतानी आतंकी फेक्टरी शरू करवाना नापाक षड्यंत्रो रची रह्यु छे। चीन पाकिस्तान की तस्करी वालू षड्यंत्र बांग्लादेश सरहद पर घुसणखोरी पर्दाफाश। भारत में आतंक की फैक्टरी खोलवा मांगे छे पाकिस्तान। सरहद पर युवक ने भड़कावानु षड्यंत्र। चीन पोताना नापाक मनसूबाओथी बाज ज नथी आवी रह्यु। एक तरफ लद्दाख में चीन भारत विरुद्ध खूनी षड्यंत्रने अंजाम आपी रह्यु छे, तो बीजी तरफ भारत बांग्लादेश सरहद पर चीनना एक नवा षड्यंत्रनो पर्दाफाश थयो छे। चीनना इशारे पाकिस्तान भारत में आतंकी फेक्टरी खोलवानु नापाक षड्यंत्र रची रह्यु छे। चीन की मदद थी बांग्लादेश सरहद पर आतंकनुं जे नवुं मॉडल तैयार करवामां आव्युं छे, तेमां गरीब अने ओछो भणेल लोकोने सोशियल मीडियाना माध्यमथी निशान बनावामां आवी रह्या छे। अमारी टीम पण मुर्शिदाबादना विस्तारमां पहोंची, ज्यांथी एनआईए अने बीएसएफ संयुक्त ऑपरेशनमां अलकायदाना आतंकीओने दबोची लीधा हता। जो कि मनिरूल मंडल नामनुं जे आतंकी सुरक्षा एजेंसीना सकंजामां छे, तेनो परिवार मनिरूलने निर्दोष गणावी रह्यो छे। কেরালাতে খাটে, কেরালা থেকে আবার আসে, আইসে আবার বাড়িতে চাষের আবাদ টাবাদ করে, হয়েছে ভুই লড়াইতে সময় ভুই লড়াই, এমনি পাট টাট বহাই করে, এইসবই করে। তাছাড়া আমার ছেলের কোনো কিছু নাই, খালি ওই বাড়িতেই থাকে আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। मनिरूलनो परिवार भले तेने निर्दोष गणावी रह्यो होय, परंतु गामनी गरीबी वच्चे मनिरूलनो पाकुं मकानी तरफ इशारो करे छे कि दाळमां कंईक કાળું છે। আসে এক বছর দু বছর অন্তর আসে, এসি আবার হয়তো পনেরো দিন এক মাস বাড়িতে থাকে, থেকে আবার চলে যায়। এই জানি তাদের কারোর সাথে কোনো ঝুট ঝামেলা করে কোনোদিন দেখিনি, কিন্তু ভিতরে কী আসে না সেটা তো বলতে পারবো না। আপনারা যখন জানতে পারলেন কিরম লাগলো? খারাপ লাগছে, খুব খারাপ লাগছে। এরম করা উচিত না? না, খুব খারাপ, এরা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ। গ্রামের নাম খারাপ হচ্ছে তো সব জায়গায়, সবার মুখে একই কথা। চীনা ইশারে পাকিস্তানি যুবানুনে টার্গেট করি রউ ছে, যেমন সরলতাতে মাইন্ড ওয়াশ করি শকায়। થોડા પૈસાની લાલચમાં ગરીબ યુવકોનો માત્ર આતંકનો રસ્તો પકડે છે, પરંતુ ભારત વિરુદ્ધ અનેક મોરચા પર ષડ્યંત્રને અંજામ આપે છે, પછી તે ડ્રગ્સની તસ્કરી હોય કે હથિયારોની તસ્કરી હોય। મેરે પીછે યે લહેલહાતે ખેત ભારત ઓર બાંગ્લાદેશ કી સીમા પર હૈ। आप जो यहाँ पर मवेशी देख रहे हैं, जो किसान नजर आ रहे हैं, ये बांग्लादेश में इस समय है। ये पूरी तरह से नॉन फेंस्ड बॉर्डर है। बीएसएफ इस सीमा की रखवाली करती है, और जो यहाँ पर पाकिस्तान, ये कह सकते हैं कि उसका ये एक नया दरवाज़ा है भारत में घुसने का, भारत को अशांत करने का। आतंकवादी, वेपन्स, जाली नोट, ड्रग्स, सब कुछ बांग्लादेश से भारत लाए जाते हैं। हालांकि बीएसएफ के जो भी जवान यहाँ पर हैं, वो मुस्तैदी से इन सीमा की रक्षा करते हैं। इटलूज नहीं पड़ा विस्तार में प्राणियों की तस्करी पर एक मोटू पड़कार छे। रिवराइन बॉर्डर्स, ये वो बॉर्डर्स हैं, वो सीमा है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिस पर निगरानी करना। आप देख सकते हैं वो सामने
बांग्लादेश का झंडा है। हम इस समय पद्मा नदी की एक शाखा, एक ट्रिब्यूटरी में है, जहाँ पर उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ भारत है। इन्हीं नदियों में रात के अंधेरे में धड़ल्ले से जो मवेशी हैं उनको पेड़ के तनों में बांध कर फेंक दिया जाता है और यहाँ पर ले आया जाता है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल जो सीमा है उसे ठीक सीमा कहाँ पर है उसको ढूंढ पाना भी मुश्किल है। हालांकि उस तरफ बांग्लादेश है, इससे ये साफ है कि वहाँ से रात के अंधेरे में मवेशी जो हैं वो विशेष तौर पर आते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है रात के समय आप लोगों को, ये जो पानी में जिस तरह से आप लोग देख रेख करते हैं उसमें? लाइट नहीं होता है, बहाव तेज होता है और उसमें तमाम प्रकार की झाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, उसमें पता नहीं चल पाता है कि कौन से झाड़ी में वो लोग सामान नीचे छुपा रखे हैं, और ये भी नहीं पता चल पाता है कि वो तना टूटा हुआ है और उसी के बीच में गोरू और अन्य चीज़ें जो है जेडी की जो बोतलें होती हैं वो भी छुपा के भेज देते हैं मैडम। इसी तरह से रात को भी नाव से जो है वो यहाँ पर नज़र रखी जाती है, निगरानी की जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फेंसिडिल सिरप है उसको ले जाने के नए नए तरीके जो स्मगलर्स हैं वो निकाल चुके हैं, झाड़ियों के बीच छुपा करके, बॉटल्स में डाल करके, पानी की बोतलों में डाल करके, या फिर बाइक में पेट्रोल निकाल करके वहाँ पर फेंसिडिल डाल करके उसको इस पार से उस पार ले जाया जाता है। સૌથી મોટી મુશ્કેલી આ વિસ્તારમાં તૈનાત જવાનો સામે છે, જેમની પર આ તસ્કરો કોઈ પણ સમયે હુમલો કરે છે। અગર મેં આપસે કહું કે યે કેલે કે પેડ આતંક કો આશ્રય દેતે હૈ તો ક્યા આપ માનેંગે? ભારત ઓર બાંગ્લાદેશ કી સીમા પર ઇસ સમય મેં હું, જહાં પર આપકો યે તસવીર દિખા રહી હું, યે કેલે કી જો ખેતી કી ગઈ હૈ, જો પેડ લગાએ ગયે હૈ, યે સિર્ફ ધન અર્જન કા માધ્યમ નહીં હૈ, બલ્કી આતંકીઓ કો ભી પ્રશ્રય દેતે હૈ, જો સ્મગલર્સ હૈ, જો પેડલર્સ હૈ, જો યહાં સે ડ્રગ્સ મવેશી લેકર જાતે હૈ, ઉનકો ભી યે આશ્રય દેતે હૈ, ઇસી રાસ્તે क्रॉल करके यहाँ से वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर जो गांव है वहाँ पर जाकर के आश्रय लेते हैं, रात बिताते हैं, अगले दिन निकल जाते हैं। ये बहुत ही टेढ़ी खीर है जो बीएसएफ है उनके लिए। और यहाँ पर रात के समय जब भी ये टॉर्च जलाए जाते हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो पेड़ के तने हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है कि यहाँ पर कोई लोग हैं कि यहाँ सिर्फ पेड़ हैं। ये बताइए कि रात के समय जब आप लोग यहाँ पर होते हैं क्या मुश्किलें आती हैं? कई बार सॉकेट बम जो आप बता रहे थे वो फेंकते हैं, कई बार वो पाइप्स के अंदर जो है वो एक्सप्लोजिव्स भर करके लोकली आईईडी बना करके फेंकते हैं। मैम देखो, सॉकेट बम जो है वो थ्रो करते हैं हमारे पे, काफ़ी आते हैं, दो गोरू भी पार करने होंगे, कम से कम 10 आदमी आएंगे, एक पार्टी एंगेज करेगी, एक गोरू के पास होगी, एक हमारे पे हमला करेगी, इसलिए दिक्कत तो बहुत ही आता है। भारत बांग्लादेश सरहद पर 24 कलाक जवान तैनात रहे छे। खास बात ये कि आ विस्तार में मुश्किलों का सामना युवतियों ने पण करवो पड़े छे। सरहद ना विस्तार में परिस्थिति केटली मुश्किल छे ते बात नो अंदाज आ रीते लगावी शकाय कि छाशवारे अहीं मोटी मात्रा में विस्फोटक अने ड्रग्स झड़पाय छे। पार्थ नामनो आ स्नीफर डॉग पण बीएसएफ नी टीम नो भाग छे અને અનેક વાર દુશ્મનોના મનસુબા પર પાણી ફેરવી ચૂક્યો છે। હમે જરા દિખાયેંગે કેસે યે એક્સપ્લોઝિવ્સ કો પકડ લેતે હૈ પાર્થ। હાં જી, જેસે યે સુનતે જાયેગા, જેસે એક્સપ્લોઝિવ્સ કા સિમ્બલ મિલ જાયેગા, વો વહીં પર બેઠ જાયેગા। यहाँ पर एक बोरे के अंदर छिपा करके मैगजीन रखी हुई है सिर्फ दिखाने के लिए कि पार्थ कैसे पकड़ सकते हैं जो एक्सप्लोजिव्स हैं उनको। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पार्थ जो है आगे जाते हैं और जा कर के ये जो दो तीन यहाँ पर बोरे पड़े हैं, घास के बोरे हैं, ये सभी बांग्लादेश से आए, हालांकि चेक किए जा चुके हैं और सिर्फ दिखाने के लिए इसके अंदर फ़िलहाल मैगजीन को रखा गया है। और ये शुरू होता है, ये जो इन ये भी बीएसएफ का एक अहम हिस्सा है पार्थ। पार्थ अब ये ढूंढना शुरू कर रहे हैं एक्सप्लोजिव्स को, एक एक कर सभी बोरों को जो है वो सूंघ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जहाँ भी एक्सप्लोजिव होगा इशारा दे करके ये बता रहे हैं। देखिए जैसे कि ये बैठ गया है यहाँ पर, ये इशारा है। पार्थ ने अपनी ड्यूटी पूरी की, पार्थ ने बता दिया है कि ये जो बोरा है इसके अंदर ही एक्सप्लोजिव हैं। अब विस्तार में कोई पण प्रकार की लापरवाही घातक साबित हो सके छे, केम के आतंकी क्यारे पण छुपी रीते आ विस्तार में घुसणखोरी करी सके छे। एज कारण छे कि ओळखपत्र बताविने ज कोई पण व्यक्ति ने काम पर मोकलवामां आवे छे।
भारत बांग्लादेश सीमा की वो जगह है ये, जहां पर कुछ दिन पहले 6 अलकायदा के आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बीएसएफ फूक फूक कर कदम रख रही है। ये देखिए, ये वो रजिस्टर है जिस पर साइन करके, पिता का नाम लिख करके, आईडी नंबर्स, जाने का समय लिख करके लोग बांग्लादेश की तरफ जो खेत है वहाँ पर जाते हैं, अपने खेतों में खेती करते हैं। ये देखिए, ये आई कार्ड लेकर के जो भी किसान हैं, जो भी मछुआरे हैं, बिना आई कार्ड के कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आप लोग उधर जाते हैं, कितने घंटे के लिए टाइम लिखना पड़ता है? हाँ, टाइम लिख रहा है, इतना घंटा, 6 घंटा की 7 घंटा काम करेगा खेत में, फिर आ जाएगा। ऐसा क्या क्या लेके जाते हैं वो भी लिखना पड़ता है? बस अपना जो हाई शू, जो भी काम करने का सामान है वो लिख लेते हैं। हाल की परिस्थिति में भारत और चीन वच्चे लद्दाख में गंभीर परिस्थिति छे। एज कारण छे के वे चीन बांग्लादेश सरहद पर भारत नु ध्यान भटकावाना प्रयास करी रह्यो छे अने तेना माटे चीन पाकिस्तान नु सहारो लई रह्यो छे। परंतु चीन जे पाकिस्तान नी मदद थी आतंकनी फेक्टरी भारत में चलावा इच्छी रह्यो छे, तेमनी सामे बीएसएफ ना जवानो सौथी मोटी देवाल छे, जे कोई पण समय दुश्मन ने जवाब आपवा माटे सक्षम छे। આ સાથે જ સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે। રચી રહ્યું છે તો બીજી તરફ પીઓકેમાં ચીન પાકિસ્તાન સાથે મળીને સીપેક પ્રોજેક્ટની આડમાં સૈન્ય અડ્ડો બનાવવાની ફિરાકમાં હતું, પરંતુ પીઓકેને લઈને ભારતના તેવરથી હવે ચીનના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટના સપના પર પાણી ફરી શકે છે। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना चीन ने सतावी रहो छे। लद्दाख में हार नो डर, पीओके हाथ में चटकी जवाना डर थी गभराव चीन। पीओके में अटवाओ चीनी ड्रीम प्रोजेक्ट। लद्दाख में भारत सामे हार बाद चीन हवे पीओकेना मोर्चा में पण गभरायेलू छे। लद्दाख में भारतीय सेना ने पोताना षड्यंत्रोनी जाळ में फसावी चीन पीओके में पोताना प्रोजेक्ट सीपीईसी ने आगळ वधारवानी फिराक में लाग्यो हतुं, परंतु भारतीय सेनाए अहींया पण तेना नापाक मनसूबा पर पाणी फेरवी दीधुं। आ तरफ भारत की संसद में एक वर्ष पहला ज चीन विरुद्ध घेराबंदी शुरू थई गई हती। आज भी पाक ऑक्युपाई कश्मीर की 24 की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्युपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। देश ना गृहमंत्री नो गुस्सो ने इरादो जोई चीन ने हवे हाल नी परिस्थिति अने आगामी दिवसों में पोतानी तबाही ने बर्बादी स्पष्ट दिखाई रही छे। पोताना ड्रीम प्रोजेक्ट पर संकट घेराता चीन नवा षड्यंत्र रचवानी फिराक में लागी गयो अने मे महीना आवता सुधी में तो षड्यंत्रों नी अमलवाणी पर शुरू करी दीधी। मोदी सरकार की पीओके को वापस लेने की प्रतिबद्धता से चीन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि गिलगित बल्टिस्तान भी भारत के अभिन्न अंग पीओके में ही आता है। चीन को लगने लगा कि अगर पीओके हाथ से निकल गया तो उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट सकती है, इसलिए चीन ने लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाया और अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित बल्टिस्तान को एक नया सूबा घोषित कर वहां पर चुनाव कराने की चाल चल दी। हकीकत में पीओके चीन माटे लाइफलाइन छे। चीन नो सौथी मोटो ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी हजु अर्धो रस्तो पार कर्यो छे, परंतु तेनी सौथी मोटी मुसीबत ए छे के चीन पीओके मां कोई पण भाग मां पोतानो दावो नथी करी शकतुं, केम के पीओके ने चीन पण भारत नो भाग मानी रह्यो छे। बस आज कारण छे के ज्यांथी चीन नी मुश्किली शुरू थई रही छे, केम के जो पाकिस्तान ना हाथ मांथी पीओके गयो तो तेनो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ना प्राण पण निकळी जशे। चीनना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नो मतलब छे कि रोड ना माध्यम थी चीन थी यूरोप, एशिया ने आफ्रिका ना देश ने जोड़वा। आ रोड पाकिस्तान ने कब्जा में रहेल कश्मीर माथी पसार थाय छे, तेमा सौथी महत्वनो विस्तार छे गिलगित अने बाल्टिस्तान। पीओके मा आ प्रोजेक्ट ने सीपीसी एटले के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पण कहेवामां आवे छे, परंतु आ कॉरिडोर नो रस्तो गिलगित बाल्टिस्तान वगर पूर्ण थई शके तेम नथी।
आ प्रोजेक्ट माध्यम थी पाकिस्तान कब्जा हेठ रहे कश्मीर में नदी और खनिजों चीन पूरो फायदो उठावाई रो परंतु हवे चीन ने लगे कि लद्दाख में मात आप्या बाद भारत हवे पाकिस्तान पास थी पोतानो हिस्सो परत न मेळवी ले। आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में। भारत सरकार ना आज रवैयाथी चीन की चिंता में वधारो थयो छे। गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान नो दावो मजबूत बने, गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत नो दावो नबळो पड़े। युद्ध की स्थिति में गिलगिट पर पाकिस्तान नो दावो मजबूत रहे, विस्तार संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता प्रस्ताव ना दायरा थी बाहर रहे, पोताना प्रतिनिधियों नियुक्त करी चीन गिलगिट पर कब्जो इच्छी रहे छे। जो भी अड़चने चाइना पाकिस्तान एटॉमिक कॉरिडोर को पूरी करने के लिए आ रही हैं, उनको पाकिस्तान दूर करे, इमरान खान की सरकार दूर करे, ताकि वो जल्द ब जल्द ग्वादर तक पहुंचकर अरब सागर के अंदर अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ सके। पाकिस्तान कब्जा में रहेल आ विस्तार चीने अरबो डॉलर नु रोकाण कर्यु छे, एटले के चीन पीओके मा सीपीएसी साथे भारत ने घेरवानी तैयारी ना इरादा साथे उपयोग करी रह्यु छे। एटला माटे चीन इच्छे छे के आ जमीन पर कोई पण प्रकार एवं षड्यंत्र रचवामां आवे जेथी भारत नो दावो नबळो रहे अने चीन ने अहीं पोताना सैनिको माटे अड्डो बनावा सरळताथी जमीन मळी रहे। कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहां पर ऋण देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस एससीजेड में इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। चीन मानता है कि अगर इलेक्शन होकर यहां पर एक सूबा बन जाता है तो शायद इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाए। पीओके ने ले गबरायल चीन वधु एक स्थिर चाल रमी रहू छे। चीन गिलगिट बाल्टिस्तान ने अलग विस्तार जाहिर करी चूंटणी करावा पाकिस्तान ने उकसावी रहू छे। महत्वनु छे के पाकिस्तान ना तेवरती मुद्दो वधु जोर पकड़शे। एलएसी पर चीन ने चाल निष्फळ रही तो चीने पोतानी चालबाजी की दिशा बदली नाखी અને જાળને બીજી તરફ ફેરવી નાખવાનો ઈરાદો બનાવ્યો। ભારતની સરહદ પર પોતાના લડાકુ વિમાનથી ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કરનાર ચીનને સફળતા હાથ ન લાગી તો તેણે નવું તરકટ રચ્યું। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को उलझाने के लिए चीन अब जो कदम उठा रहा है उसका अंदाजा हिंदुस्तान ने काफी पहले लगा लिया था। हिंदुस्तान को यह बात बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है और उसकी कहीं बात को नहीं टालेगा, और इसीलिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सरहद पर भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। खबरों के मुताबिक चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सीमा पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है ताकि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में चीन का इशारा मिलते ही पाकिस्तान हिंदुस्तान को पश्चिमी सीमा पर उलझा सके। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर पुरानी तमाम मिसाइल सिस्टम तैनात करी छे। पाकिस्तान की हरकत पर भारत की बाज नजर छे। जदि पाकिस्तान सरहद पर भारतीय सेना ने अलर्ट रहवा आदेश आपी दीवा छे। पाकिस्तान ना रस्ते चीनी चाल, पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम एक्टिव करी, सरहदी विस्तार में तैनात करी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, चीन ना इशारे पाकिस्तान ने चाल। एलएसी ना षड्यंत्र ने एलओसी सुधी पहुंचाड़ी रहू छे चीन। एलएसी पर चीन पोताना सैनिकों की गणतरी दररोज वधारी रहू छे, परंतु एक साथे बन्ने मोर्चा पर नजर राखवा मजबूर छे। केम के चीनना इशारा पर पाकिस्तान सांबा अने हीरानगर में इंटरनेशनल सरहद पर वधारे सैन्य दल तैनात कर्या छे। एटलू ज नहीं, पाकिस्तान पोताना तोपखाना आगळ वधारवा विमान भेदी तोप तैयार करी छे।
चीन पूर्वोत्तर में ज नहीं परंतु लद्दाख नजीक विस्तार में सैन्य गतिविधि तेज कर भारत पर दबाण वधारवा प्रयास कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट में अत्यारे बस आटलू ज आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। नमस्कार।